जी हाँ, डायबिटीज कैसे करें कंट्रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूँ आप सभी के साथ विपनेश माथुर, और न्यूज 24 के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज हमारा मकसद है हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक करना, और इसीलिए डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। आप जानते हैं जैसा कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, जो एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। साथ ही डॉक्टर समीर भाटी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। SCI डायरेक्टर और मेरी सहयोगी दिल्ली से पल्लवी झा मौजूद हैं मेरे साथ इस वक्त। डॉक्टर समीर भाटी भी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन सेंटर के। सर, किस एज में, मैं एक्चुअली टेस्ट पर जाना चाहती हूँ। जो अक्सर बड़ी गलती करते हैं लोग, वो टेस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते, कई बार पता ही नहीं चलता वो डायबिटिक हैं या नहीं। तो टेस्ट किस एज में हमें कराना शुरू करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज हम वर्ल्ड डायबिटीज डे पे अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, तो जब अवेयरनेस की बात आ जाती है तो फिलहाल जैसा हमने कोविड में भी देखा कि प्रिवेंशन पर हमें बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और जैसा डॉक्टर अनूप ने भी बताया कि मॉनिटरिंग इसकी बहुत ज्यादा इसमें अहम रोल प्ले करती है। पूरा डायबिटीज के अंदर अगर हम देखें उसके ट्रीटमेंट के अंदर, भारत में अगर स्पेशली हम बात करें तो हमारा 95% या उससे भी अधिक ज्यादा जो खर्चा होता है वो बीमारी के अंदर, जब हम बीमार हो गए, बीमारी या फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए। प्रिवेंशन पर थोड़ा हमारा कम ध्यान रहता है अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर भी देखें, क्योंकि ज्यादातर लोगों की धारणा होती है कि अभी कुछ निकल गया तो क्या करेंगे, तो इस करके टेस्ट कराने का उतना प्रचलन नहीं है। जब सिम्टम आते हैं, लक्षण आते हैं, ज्यादातर तभी लोग टेस्ट कराते हैं। रही बात एज की, देखिए एज का जिस तरह से हम पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, वो जो एज ग्रुप है वो कम होता जा रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले किसी तरह से डेटा निकाला था लैब में, जिसमें पिछले 6 महीने के अंदर हमने देखा पोस्ट कोविड कि जो टीन एजर्स के अंदर भी हमने काफी सारे केसेस ऐसे देखे जो रैंडमली अपने कुछ और टेस्ट कराने आए थे और उनको इंसिडेंटली डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है, हाइपरटेंशन टीन एजर्स के अंदर, क्योंकि खान पान चेंज हुआ है। तो पर्टिकुलरली ये कहना है कि हम 40 के बाद कराएं या 50 के बाद, अब ऐसा नहीं रहा है। डायबिटीज में बहुत अर्ली पेशेंट्स में डायबिटीज डिटेक्ट होना शुरू हो गई है, यूथ के अंदर खास तौर पे अगर मैं देखूं। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है कि हम किस एज के अंदर कराएं। कुछ इसमें रिस्क फैक्टर है, देखिए अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उसको पेरेंट्स को है, फैमिली में है, तो या फिर लाइफस्टाइल, तो जिस तरह से ज्यादातर सभी यूथ का खराब है कि खान पान ठीक नहीं है, स्लीप मैनेजमेंट ठीक नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज, या स्पेशली यूथ की भी बात करूं या बच्चों की भी, 2 साल में हमने देखा भी कि लॉकडाउन के अंदर ज्यादातर वो लोग अंदर ही रहे थे, और जिस तरह से आजकल घर पे खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, और भी काफी सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो जितना हम अर्ली शुरू करें, जैसे 25-30 साल की उम्र में अपने प्रिवेंटिव टेस्ट हमने शुरू कर लेने चाहिए। पर अगर हाई रिस्क है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ओबेसिटी है यंग के अंदर, यूथ में हम देख ही रहे हैं कि वजन ज्यादा है, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, और अगर हाइपरटेंशन भी डिटेक्ट हुआ है, तो वो और भी अर्ली एज में करा सकते हैं। ओके, यानी डॉक्टर समीर, आपके अकॉर्डिंग कि अब ये इंतजार नहीं करना है कि हम 35 के हो गए, 40 के हो गए, तब हमें टेस्ट कराने शुरू करने हैं। अर्ली एज में अब डिमांड है कि आप टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं और हेल्दी रहें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा अपनी हेल्थ के बारे में। जो तस्वीर इस वक्त देख रही हैं, ये तमाम पेशेंट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एक लैब है, यहाँ पर ये लोग टेस्ट कराने के लिए आए हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर पहुंच गए कि आइए सीधे उन्हीं से इंटरेक्ट करेंगे और उनके मन में जो सवाल है उनसे जानेंगे कि क्या क्या सवाल है। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है, देश के बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं, डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं, डॉक्टर समीर भाटी हैं, डाइटिशियन डॉक्टर शिखा शर्मा मौजूद है। छोटा सा सवाल डॉक्टर समीर भाटी से है, जो मेरी सहयोगी पल्लवी पेशेंट से पूछना चाहती है। जल्दी से पल्लवी, आप अपना सवाल डॉक्टर समीर भाटी से पूछना चाहते हैं? हाँ जी, डॉक्टर समीर भाटी से मेरा क्वेश्चन है, जो मुझे 15 सालों से मेरा डायबिटीज है, आगे मेरे बच्चे के लिए कौन सी टेस्ट करानी चाहिए जिससे उसको ये पता चले जाए फ्यूचर में होगा या नहीं होगा? ओके, डॉक्टर समीर भाटी आपसे ये सवाल। रिस्क में आ गया ऑलरेडी, क्योंकि आपको डायबिटीज है और आपके बच्चे को भी, आप तो फैमिली हिस्ट्री जैसे आप बता रहे हैं कि डायबिटीज की है, तो उनको बेसिक से टेस्ट करा सकते हैं। एक शुगर खाली पेट आप टेस्ट करा लीजिए उनका, जब भी आप कराएं 8-10 घंटे की फास्टिंग के अंदर सैंपल दें, और उसके बाद एक ग्लूकोज के बाद सैंपल ले सकते हैं, मतलब ग्लूकोज दिया 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं लैब के अंदर, और वो ग्लूकोज 5 मिनट के अंदर पीने के बाद टाइम नोट करेंगे, और उसके 2 घंटे के बाद आप एक सैंपल दे सकते हैं। और एक तीसरा टेस्ट बहुत अच्छा, जो HbA1c टेस्ट हम जिसे कहते हैं,
वो आपका एक एवरेज ब्लड शुगर बता देता है, उसका आप सैंपल दे सकते हैं। तो इन टेस्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अब मैं इस शो में जितने भी मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े, एक्सपर्ट जुड़े, मैं उन्हीं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।